हरियाणा के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्युम ने कहा कि जींद में सैकड़ों एकड़ में फैले बड़ा बीड़ वन को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके लिए वन विभाग ने विशेष योजना तैयार की है। योजना के मुताबिक बड़ा बीड़ वन के अंदर मौजूद जीव व जंतुओं के लिए सुरक्षित स्थल बनाया जाएगा और इसके अलावा लोगों को सैर करने के लिए बड़ा बीड़ वन के चारों तरफ तथा बीच में साइकिल ट्रैक तथा घूमने का ट्रैक का निर्माण किया जाएगा ताकि लोग इसमें घूम सकें और जीव जंतु भी सुरक्षित रहें। इसके लिए वन विभाग ने पूरी योजना तैयार कर ली है और जल्द ही इस योजना का अमली जामा पहना दिया जाएगा। कैप्टन अभिमन्युम रविवार को जींद की चौधरी रणवीर सिंह विश्वविद्यालय में नए भवन के शिलान्यास के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। वित्त मंत्री ने कहा कि पिछले 6 माह में जींद जिले का लिंगानुपात में सुधार हुआ है और 6 माह के बीच लड़कियों ने लड़कों के मुकाबले ज्यादा जन्म लिया। जींद की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुहिम का साथ देने पर जींद जिले की जनता को बधाई दी और कहा कि इससे समाज के बिगड़ रहे हालात में सुधार आएगा। जींद में इस विश्वविद्यालय में एक वन महोत्सव का कार्यक्रम, पौधारोपण का एक बड़ा कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया है। वन विभाग के अधिकारी भी आए हैं और जींद में तो बहुत पुराने समय से बहुत बड़ा बीड़ वह जींद के लिए एक प्रकार से फेफड़े का लंग का काम करता है और वन विभाग के अधिकारियों ने एक वृहद योजना बनाई है जिसके माध्यम से ये जो बीड़ है पूरा उसको सुरक्षित रखा जाए, इसकी फेंसिंग कर दी जाए और इसमें जो वन्य प्राणी हैं, विशेष रूप से बंदर हैं, वो सड़क पर आने के बजाय सुरक्षित अंदर रह सकें और उनके लिए सुविधा की स्थिति कोई वहाँ पर व्यवस्था बन जाए। साथ साथ जो लोग वन क्षेत्र में सैर करना चाहते हैं तो उनके लिए एक साइकिल ट्रैक और घूमने का ट्रैक भी इस बीड़ के चारों तरफ बन सके, इस प्रकार की योजना वन विभाग ने बनाई है। जींद जिला जो विकास की दृष्टि में लंबे समय से पूर्व की सरकारों ने इग्नोर किया था, हम इस पुराने भेदभाव के दंश को मिटा करके जींद को राज्य के जो सब विकसित जिले हैं उनकी श्रेणी में खड़ा करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ में नई औद्योगिक नीति के जो हम 2-3 दिन में उसको हरियाणा प्रदेश की जनता को समर्पित करेंगे, जो पिछड़े क्षेत्र हैं उनमें उद्योग लग सके इसके लिए विशेष प्रोत्साहन की योजना हमने बनाई है। जींद से अजार टीवी न्यूज के लिए कैमरामैन ऋषि मेहंदी रत्ता के साथ सनी मोगो की रिपोर्ट।